मानस कुमार और बेसिकली आज का हमारे पास जो वीडियो है वो है नोजल क्लीनिंग और फिलामेंट चेंजिंग के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। कई बार जब आप प्रिंट कर रहे हो तो हो सकता है कि प्रिंट आपका रुक जाए या फिर वहाँ से फिलामेंट आना यहाँ से नोजल से बाहर आना बंद हो जाए। उस केस में क्या होता है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपका फिलामेंट कहीं से ब्रेक हो तो उसको चेक कैसे करना है, फिलामेंट कहाँ कहाँ से ब्रेक हो सकता है। एक तो आपका पहला यहाँ पे एंडिंग पॉइंट से हो सकता है, यहाँ पे आपके लीवर के पास से हो सकता है, या फिर एकदम रेयर केस जो है आपका ट्यूब के बीच से हो सकता है, या फिर आपका नोजल के पास से हो सकता है। अब देखते हैं अगर यहाँ से फिलामेंट ब्रेक होता है तो आपको क्या करना है। देखिए अब यहाँ से फिलामेंट में से ब्रेक कर दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लीवर पे से प्रेस करना है और इसको खींचते जाना है। अब जैसे इसको खींचते जाओगे ये फिलामेंट आपका बाहर आते जाएगा, इसको बाहर खींच दिया तो ये ब्रेक है यहाँ से। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि हमको ट्यूब के बीच से फिलामेंट को निकालना है। अब जैसे फिलामेंट आप देख रहे हैं यहाँ से ब्रेक है, तो ऐसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पुश करूँगा और ट्यूब ऐसे खींच दूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से इसको प्रेस करके निकाल सकते हो यहाँ से। अब थर्ड केस में देखते हैं, अगर आपका फिलामेंट इस ट्यूब के बीच में ब्रेक हो गया तो उसको कैसे आपको फाइंड आउट करना है। आपको यहाँ से छोटा सा प्रेस करना है, आप देख सकते हैं फिलामेंट का छोटा सा हिस्सा बन गया है, आप इसको यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं तो आपका ये पूरा जो ट्यूब है वो बाहर आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ से आधा ब्रेक था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको किसी चीज़ से पकड़ के निकाल दीजिए। ये जो फिलामेंट था आपके मिडिल पॉइंट से ब्रेक था यहाँ से, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका फिलामेंट एंडिंग पॉइंट से भी ब्रेक नहीं है, मिडिल पॉइंट से ब्रेक नहीं है और यहाँ से ब्रेक नहीं है तो आपको क्या करना है, हो सकता है वो नोजल से ब्रेक हो, तो आपको क्या करना है, मिडल लेना है और आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उसको स्टार्टिंग के यहाँ के पॉइंट से आपको इसको ब्रेक कर लेना है। तो आप ब्रेक करके देख रहे थे क्लीन हो गया यहाँ से। उसके बाद क्या करना है, आपको इस ट्यूब को यहाँ से बाहर निकाल देना है, यहाँ से प्रेस करके आप इस ट्यूब को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पकड़ लेना है आपको, उसके बाद यहाँ से प्रेस करना है अपने हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है। उसके बाद जो भी आपका फिलामेंट यहाँ पे जैम रहेगा वो आपके एंडिंग पॉइंट से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका यहाँ से भी नहीं हो रहा तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, ऊपर को इसको ओपन करके आप डायरेक्टली भी यहाँ से आप इसको प्रेस कर सकते हैं, जो भी आपका फिलामेंट यहाँ से फंसा होगा वो आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए जो आपका फिलामेंट इधर बाहर आ गया आपका, तो आपकी जो भी मटेरियल आपका फंसा होगा वो ऐसा करने से बाहर आ जाएगा। अगर आपका नोजल पूरी तरह से जैम है और यहाँ से भी आप नहीं निकाल पा रहे तो आपको करना क्या है, नोजल का ब्रेक हो गया हो या जो आपका नोजल दिख रहे हो कहीं से जाम हो गया हो तो देखते हैं, ओपन कर देना धीरे धीरे करके। यहाँ पे मेरे पास एक मटेरियल पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये बहुत ज़्यादा हीट रहता है, आपको इसको नॉर्मल अपने हाथ से टच नहीं करना, आपको इसको ऐसे ओपन कर लेना है और जैसे मैं आपको बताया कि आपको नीडल की हेल्प से इसको यहाँ से पुश करके आपको मटेरियल को बाहर करना है। तो ये मेरे पास एक नीडल है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से पुश करके आप इसको बाहर कर सकते हो, जो भी आपका मटेरियल रहेगा आप यहाँ से इसको क्लीन कर सकते हो। जितना भी स्टेप मैं आपको बताया हूँ फिलामेंट चेंजिंग का या फिर नोजल जैम का या फिर फिलामेंट जो ब्रेक हो जाता है, तो जितना भी आप प्रोसेस करोगे फिलामेंट को चेंज करने के लिए या नोजल को साफ करने के लिए, उससे पहले आपको एक चीज़ करनी है प्रीहीट, मतलब आपको उसको टेम्परेचर में गर्म करना है, उसके बाद ही आप उस फिलामेंट को बाहर कर सकते हो। आप दो टाइप से प्रीहीट कर सकते हो, एक तो आप डायरेक्ट टेक्ब टैग से कर सकते हैं हमारे प्रिंटर से, और दूसरा ये है कि आप अपने लैपटॉप से प्रिंटर प्रेस के सॉफ्टवेयर से आप वहां से भी प्रीहीट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और भी आगे के वीडियो में 3D प्रिंटर बनाता रहूँ। कीप वॉचिंग, थैंक यू।